नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में सामने देख रहे हो दोस्तों, यह है दिल्ली का गौरी शंकर मंदिर। दोस्तों यह मंदिर दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम में सबसे पुराना पार्वती और शिव जी का ये मंदिर है। दोस्तों आज मैं आपको यह पूरा मंदिर घुमाने वाला हूँ। मंदिर की क्या टाइमिंग है, मंदिर का क्या इतिहास है, मंदिर के पीछे की क्या कहानी है, यह मंदिर क्यों इतना प्रसिद्ध है, यहाँ पर श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ क्यों लगी रहती है, यहाँ पर आप कैसे पहुँचें, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए मंदिर के अंदर चलते हैं माता गौरी और शिव जी के दर्शन के लिए। मंदिर के बाहर आपको फूल मालाएं और प्रसाद मिल जाएंगे भगवान को चढ़ाने के लिए। यह मंदिर दिल्ली के लाल किले के सामने चांदनी चौक मार्केट में स्थित है। टाइमिंग की बात करें तो यह मंदिर प्रतिदिन श्रद्धालुओं के लिए सुबह 5 बजे से लेकर सुबह के 11 बजे तक खुला रहता है। उसके बाद फिर शाम को 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक खुला रहता है। हम मंदिर के मेन दरबार में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे भक्त कितने जोरों शोरों से उत्साहित होकर भगवान शिव जी के नाम का जयकारा लगा रहे हैं। दोस्तों आप लोग भी माता पार्वती और शिव जी के दर्शन कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में माता पार्वती और शिव जी के नाम का जयकारा जरूर लगाइएगा। यह मंदिर भगवान शिव जी और माता पार्वती जी को समर्पित है। यह मंदिर लगभग 800 साल पुराना है। यह गौरी शंकर मंदिर दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम में सबसे पुराना और प्राचीन शिव मंदिर माना जाता है। आप देख सकते हो वीडियो में इस मंदिर का शिवलिंग भूरे रंग का है और चारों तरफ संगमरमर के पत्थर में लिपटा हुआ है। यह मंदिर क्यों इतना प्रसिद्ध है, इसके पीछे एक कहानी है। दोस्तों इस मंदिर का निर्माण एक मराठा सैनिक आपा गंगाधर ने करवाया था। वह भगवान शिव जी की बहुत पूजा अर्चना करते थे, भगवान शिव जी के बहुत परम भक्त थे। एक बार आपा गंगाधर एक लड़ाई में बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनके बचने की संभावना बहुत कम थी। तब उन्होंने भगवान शिव जी की प्रार्थना करी, अर्चना करी, पूजा करी कि हे भगवान मेरा जीवन बख्श दिया जाए, मुझे जीवन दान दें, अगर मैं जीवित रही तो मैं एक सुंदर मंदिर का निर्माण करूंगी। फिर भगवान जी ने उनको जीवन दान दिया, उनकी इच्छा पूरी की। फिर आपा गंगाधर जीवित रहीं और बाद में इस खूबसूरत प्राचीन मंदिर का निर्माण किया, जो आज के समय में एक चमत्कारी मंदिर साबित हुआ। कहा जाता है कि इस गौरी शंकर मंदिर में सच्चे मन से मांगी गई मुराद भगवान शिव जी और पार्वती माता जरूर पूरी करती है। दोस्तों जैसा कि आप मंदिर में देख ही रहे होंगे, इस मंदिर में और भी अन्य देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर हैं। वीडियो में आप देख रहे हो दोस्तों, ये राम सेतु पत्थर है जो लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र में डाले गए थे, यही पत्थर है दोस्तों वो। महाशिवरात्रि पर्व इस मंदिर का सबसे बड़ा पर्व है। महाशिवरात्रि के त्यौहार पर मंदिर से चांदनी चौक रोड पर भगवान शिव की बड़े ही धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली जाती है। ये देखिए यहाँ पर भगवान शिव जी की कितनी प्यारी प्रतिमा बना रखी है, बहुत ही प्यारा दृश्य है, बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर है। दोस्तों अगर आप दिल्ली में रहते हैं या आसपास रहते हैं तो एक बार इस मंदिर में ज़रूर विजिट करें। दोस्तों यहाँ पर पहुँचने की बात करें तो आप यहाँ पर दिल्ली के लोकल ट्रांसपोर्ट के माध्यम से बहुत ही आसानी से आप मंदिर पहुँच सकते हैं। इस मंदिर के करीबी जो मेट्रो स्टेशन है वो है लाल किला मेट्रो स्टेशन।
रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन। दोस्तों रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन से इस मंदिर की दूरी लगभग 20 से 30 मीटर है। आप देख सकते हो कि माता गौरी और भगवान शिव जी के प्रमुख मंदिर के बाहरी दीवारों को संगमरमर के पत्थर से बनाया गया है और उन पत्थरों पर आप देख सकते हो कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियों की नक्काशी की गई है। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत मूर्तियाँ इन पत्थरों पर बना रखी हैं। इस मंदिर में आने का सबसे अच्छा समय रहता है इवनिंग का। इवनिंग में यहाँ पर काफ़ी क्राउड रहता है, भक्तों का काफ़ी भीड़ रहती है भक्तों की। चांदनी चौक मार्केट में बहुत चहल पहल रहती है शाम को। आप यहाँ पे मंदिर में दर्शन करने के साथ साथ चांदनी चौक मार्केट में शॉपिंग भी कर सकते हो और स्वादिष्ट व्यंजन भी खा सकते हो। अगर आपको भीड़ भाड़ नहीं पसंद है तो आप मॉर्निंग में यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों मैंने माता गौरी और भगवान शिव जी के दर्शन कर लिए हैं और आपको भी दर्शन करा दिए हैं। अब वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगा। आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दो चार दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है दिल्ली का ये और बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपके फ्रेंड और आपके फैमिली के सदस्य भी भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों बाय बाय, अब मैं आपको मिलूँगा एक ऐसी खूबसूरत जगह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।